फोकस कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आपने ये भी बार बार सुना होगा कि फाइबर रिच डाइट लें, फाइबर रिच डाइट लें। तो आज मैं बताऊंगी कि फाइबर होता क्या है। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है। आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन पाकिस्तान एयर फोर्स हॉस्पिटल यूनिट 2 एंड न्यूट्रा एडवाइस इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर एफ ए। मेरा आज का टॉपिक इज अबाउट फाइबर। हम बार बार जैसे जैसे देखने में आ रहा है कि हम फोकस कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आपने ये भी बार बार सुना होगा कि फाइबर रिच डाइट लें, फाइबर रिच डाइट लें। तो आज मैं बताऊंगी कि फाइबर होता क्या है। फाइबर बेसिकली एक ऐसा इनडाइजेस्टिबल पार्ट है प्लांट फूड्स का, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें हो गई, बीन्स हो गए, जो कि आपके इंटेस्टाइन्स यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। अब जो फाइबर होता है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। इसमें हमारे पास सॉलेबल, इनसॉलेबल और एक और टाइप होती है रेजिस्टेंट स्टार्च। तो जो अब इसको देखते हैं कि सॉलेबल फाइबर क्या है। सॉलेबल फाइबर बेसिकली क्या करता है कि ये जब आप लेते हैं तो ये स्लोली डाइजेस्ट होता है। जब ये स्लोली डाइजेस्ट होता है तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी कि आपको बार बार भूख नहीं लगती। और इससे ये भी होता है कि ये आपकी जो ब्लड शुगर स्पाइक है उसको कंट्रोल करता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत है, के लिए बहुत हेल्पफुल है, और उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि वो और आगे क्या करेगा, ये आपकी हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्प अप करता है, आपके इंटेस्टाइंस को हेल्दी रखता है। और इसके बाद क्या है कि इनसॉल्युबल फाइबर आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ सॉल्युबल फाइबर की, वो क्या करता है कि जो आपके फैटी एसिड है यानी कि जो फैट्स हैं उनको बाइंड करता है और वो आपके सिस्टम से वॉश आउट करता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं आता, तो उनके लिए ये सजेशन है कि अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर को ज़रूर ऐड रखें। तो ये आपकी एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से वॉश आउट करेगा। अब आता है कि इनसॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, वो बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखता है। उसके बाद उसमें ये होता है कि वो पानी अब्सॉर्ब करता है और जो आपके बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइंस में जो आपका स्टूल होता है उसको सॉफ्टन रखता है, इजीली पास आउट करता है, वॉश आउट करता है। ये लैक्सेटिव है, यानी कि कब्ज की शिकायत जिनको होती है उनकी डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर ज़रूर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च पे। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या करता है कि ये एक ऐसा पार्ट है फाइबर का जो कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता, ये बड़ी आंत में जाता है और ये वहाँ पे जाके आपकी हेल्दी बैक्टीरिया, हमेशा आपने सुना होगा कि हेल्दी बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है, उसको ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेड डोजेज क्या है, क्योंकि बार बार फाइबर की बात हो रही है। जो फीमेल्स हैं उसमें हम, मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट उनकी 50 साल से इनकी कम उम्र है उनके लिए 25 ग्राम डेली का होना चाहिए इनटेक, और जो मेल्स हैं उनका अराउंड 30 से 35 के दरमियान उनका फाइबर का इनटेक होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि फाइबर करता क्या है, अब आप ये भी सोचेंगे कि फाइबर की सोर्सेज क्या है। फाइबर देखिए, जैसे मैंने बताया प्लांट फूड्स में होता है, वेज फूड्स आप ले लें जिसमें आपके पास सेब, केला, ऑरेंजेस, माल्टे यानी के मैंगोज हो गए, उन पेशेंट्स को ख्याल से खाना है जो डायबिटिक है, ठीक है, जिनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आते। अमरूद हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, रेस्पबेरीज हो गई, ये सारी ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपके फाइबर को इंक्रीज करेंगे। वेजिटेबल्स में हर तरह का हरा वेजिटेबल जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। कैरेट्स यानी गाजरें छिलके के साथ लें, कोशिश करें कि आप जैसे मैंने फ्रूट्स मेंशन किए तो उनको के छिलकों के साथ, जैसे पीच है, आड़ू है, वो आप उसके छिलके के साथ खा सकते हैं। लोग उसका छिलका उतार देते हैं, आलू बुखारे का छिलका उतार देते हैं, मैंने बहुत से लोगों को इवन के खुबानी का छिलका उतारते हुए भी देखा है। अगर आप उन फ्रूट्स को छिलके के साथ लेंगे तो आपको कोई आर्टिफिशियल फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे सब्जियों की बात हो रही थी तो सब्जियों में हमारे पास ब्रोकली है जो कि एक तरह की गोभी है और बहुत इजीली अवेलेबल है। खीरा, गाजरे हो गई छिलके के साथ लें, हर तरह की हरी सब्जी है। उसके अलावा ग्रीन बीन्स हैं आपके पास, हमारे पास आलू जो पेशेंट्स को स्किन के साथ लेंगे तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है।
और इसमें हमारे पास ओट्स आ गए, बार्ले आ गए यानी कि जौ आ गया, दालें आ गई हर तरह की, हमारे पास बीन्स आ गए, किडनी बीन्स हो गए जो कि लोबिया भी कहलाता है, वो बहुत रिच सोर्स है फाइबर की। आटा हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपनी वाइट्स को ब्राउन से रिप्लेस कर लें, यानी कि ब्राउन आटा, ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता, अगर आप कोशिश करें तो बड़ी ईजीली उसका टेस्ट डिवेलप हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आदी हैं सीरियल्स लेने के अपने ब्रेकफास्ट में, तो मौसली वगैरह ऐसी चीज़ें जो आप अपनी ऐड कर सकते हैं। नट्स में हमारे पास बादाम आ गए, पिस्ता आ गया, सीड्स में हमारे पास पम्पकिन सीड्स हैं और हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं। ये ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और चीज़ें हैं जो कि आपकी डाइट में फाइबर को बढ़ाते हैं और आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकें, आप अपने फाइबर को कंट्रोल कर सकें। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो आप अक्सर IBS के साथ आते हैं और ये सारी चीज़ें, तो आपने देखा होगा कि रिसर्च भी है कि जितनी आपकी फाइबर रिच डाइट होगी उतनी बावल रिलेटेड कैंसर से आप बच सकते हैं, IBS के सिम्टम्स आपके बेहतर हो सकते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज था रिगार्डिंग फाइबर इनटेक। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।